हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो हमारा चैनल बेसिकली सुन वीज़ा सर्विसेज को लेकर है, जिस पर हम आए दिन उसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, कॉलिंग नंबर उसके टाइमिंग के साथ, व्हाट्सअप नंबर टेक्स्ट के लिए, एंड हमारा ऑफिस एड्रेस टाइमिंग नीचे मेंशन है। अगर आप कभी भी हमें मिलने आते हैं तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके आइए। एंड अगेन आई एम सॉरी अबाउट इट कि ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ हमेशा की तरह। रीज़न ये था कि मैंने थोड़ा सा कम करना शुरू किया, फिर लोगों के मुझे रात को कॉल आ रहे हैं, किसी का कब कॉल आ रहा है, कोई व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज कर रहा है, सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करे, बहुत सारी चीज़ें रिपीट करने के बाद फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एंड जैसे आपने वीडियो टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो विच इज़ द बेस्ट प्रोमिस टू सेटल इन फॉर PR, ठीक है ना। सो आई नो शायद ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा यार ये कितना मिसलीडिंग सा टाइटल था, क्लिक बेट था, बट एक्चुअली नहीं है, ठीक है। सो कल वाली वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था, उसने मुझे ये टॉपिक दिया कि विच इज़ द बेस्ट प्रोमिस, उन्होंने मैनिटोबा क्यूबेक इन अल्बर्टा लिखा था शायद। सर आपकी मैं चीज़ को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समअप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के रिलेटेड रहते हैं, इसी चीज़ को रिलेटेड रहते हैं। सो प्रोमिस बेस्ट सूटेबल फॉर PR, इस चीज़ पर हम इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं सब पास पे आ जाता हूँ आपके। आपने PR लेनी है, ठीक है। हम लोगों की PR होती है जो हम स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं, वो होती है स्किल कैटेगरी में, ठीक है ना। स्किल कैटेगरी मीन्स आपको सिंप्लीफाई, जो एक्सप्रेस एंट्री अगर थोड़ा बहुत आपको क्राइटेरिया पता हो, नहीं तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर कोर्स लिया, ठीक है, आपने वो पढ़ाई की, उसमें आपने जॉब की, ठीक है, उसके बाद अपने IAS की रिक्वायरमेंट पूरी की, डिपेंडिंग ऑन द विच प्रोग्राम यू आर गोना अप्लाई इन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए ले लेते हैं हम PNP प्रोग्राम, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट का, या एक्सप्रेस एंट्री, या दोनों में से कहीं भी आपने फाइल पुट ऑन करनी थी। आपने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ उसके बाद अपने जॉब की, फिर अपनी फाइल पुट ऑन की, ठीक है ना। अब रीज़न जो मोस्टली लोग समझते हैं कि जी क्यूबिक कोई भी स्टेट, हम किसी स्टेट को नोटिफाई नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अब ऊपर नीचे होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द, मान लीजिए अभी कोई स्किल रिक्वायर्ड था, आप थोड़ी देर में उसमें बहुत ज़्यादा लोग चले गए तो फुल हो गई है, तो वो बहुत हद तक मिसलीडिंग हो जाता है। चीज़ मैं आपको ये समझाने लग रहा हूँ कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद उसमें रेलिवेंट जॉब की, ठीक है, फिर अपने IAS की रिक्वायरमेंट मीट की, जिस भी प्रोग्राम में आप रिस्पेक्टिवली फाइल पुट ऑन करनी है, ठीक है, वो मीट करते हो और अपनी फाइल पुट ऑन करते हो, ठीक है ना, और आपको PR मिलती है। अब जिसलिए हम पूछते हैं कि जी कौन सा प्रोविंस अच्छा है PR के लिए, कहाँ जल्दी हो जाएगी, उस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कहाँ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। वो होता है कि कहीं कुछ कुछ एरियाज में रूल्स रिलैक्स होते हैं। मान लीजिए कहीं होता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं होता है जी 4 साल का चाहिए, कहीं होता है जी हमें तो 8 बैंड चाहिए, है ना, कहीं होता है जी मुझे तो हम 5.5 पर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, जैसे कॉलेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो होता ऐसे है कि हम किसी भी प्रोविंस को सिंप्लीफाई और इजी इस तब कह पाते हैं कि वहाँ पर रूल्स रिलैक्स हो, है ना, कि वहाँ पर कम रिक्वायरमेंट हो, तो वो प्रोविंस अच्छा माना जाता है फॉर योर PR। अब एक मेरा क्वेश्चन, मेरी क्यूरियोसिटी, जो अब से नहीं, फ्रॉम द डे वन जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सुना था और तब मैंने PR के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा था मुझे, वो ये होती है कि चलो ठीक है आपने जॉब की, उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिया, फिर आप फाइल पुट ऑन करते हो, बट अगर आप कोई पढ़ाई पढ़ते हो, कोई चीज़ यू नो स्टडी करते हो, बट आपको वो समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग सीखते हो, मोस्टली हमारे लोग वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइविंग करते हैं, तो यू नो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं। मान लो आपको बैक करना नहीं आ रहा, आपको कोई टेस्ट है वो क्लियर करना नहीं आ रहा, डजेंट मैटर इफ यू कैन यू नो अचीव अ लाइसेंस एंड उसमें आप वर्क करोगे, फिर आप जल्दी वहाँ पर PR हो जाती है, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं आपको समझाने के लिए, बट आपको ट्रक चलाना नहीं आता, आपको टेस्ट क्लियर करना नहीं आता, आप IAS रिक्वायरमेंट, चलो वो तो IAS को चलो छोड़ ही देते हैं, आप वो चीज़ समझ नहीं पाते हो, तो हाउ कैन यू गेट एक्सपीरियंस अगर आपको वो चीज़ आती नहीं है। ऐसे ही कोई अकाउंटिंग का डिप्लोमा ले लिया आपने, आपने चेक किया कि यार यहाँ पर अकाउंटिंग की डिमांड ज़्यादा है, मैं अकाउंटिंग कर लेता हूँ, बट आपकी जब कॉमर्स में आप थे, आपके अकाउंट में पहले 33 समथिंग मार्क्स थे, चलो आपको नाना करके चलो वीज़ा मिल गया, ठीक है, बट आपको अकाउंट्स आ नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तब आप कैसे
उस लेवल पर अकाउंट पढ़ लोगे या फिर उस लेवल पर केपेबल हो जाओगे कि आपको कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर जॉब दे दे। जो मैं चीज़ आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, ये दो तीन आपको एग्जाम्पल दे के, वो ये है कि अगर आपने कोई भी पढ़ाई करते हो इस ये देख करके जी उस चीज़ की डिमांड है वहाँ पर, बट आपका उस वो खुद आपको नहीं आती या वो चीज़ आपकी वीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? मुझे इस बात की इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना। रीज़न ये होता है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं उन बच्चों पर कि यार ये तो कौन सा कोर्स ले लिया तूने, इसकी तो डिमांड ही नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। वट इज़ डिमांड? लेट्स सिंप्लीफाइड, वट इज़ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स? आपने कुछ सीखा, सिंप्लीफाइड, आपने कुछ सीखा, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ आती है, आप वो चीज़ को किसी एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे सकते हो, ठीक है, और उसने आपको जॉब दी, आपने उसने वो काम उसको करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल बनाना आता है ना, सिफार फिलहाल मेरे सामने मोबाइल पड़ा तो मैं उसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से मोबाइल बनाना नहीं है, नो डजेंट मैटर यार, उसकी डिमांड कम है, बट अगर आप अच्छा मोबाइल बनाना सीख लेते हो, आपको कोई कंपनी हायर करेगी, आप अपना सेट ऑफ रिज्यूम दोगे कि यार मेरे को तो ये चीज़ें आती हैं एंड आई वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर पे ऑल्सो, तो आपको जॉब देंगे। सिंपली सिंपल है ना, डजेंट मैटर उस चीज़ की डिमांड थी नहीं थी, पहले अक्वायर था या कुछ भी, बट आपको वो चीज़ आ गई तो आपको जॉब मिल गई, फिर तभी ये प्रोसेस आगे चलेगा ना पीआर तक का। और जो चीज़ जो मैं आपसे नहीं बहुत लोगों से फेर हूँ, क्योंकि मुझे इतनी घटिया बात लगती है, रीज़न ये घटिया वर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये चीज़ें मैं नहीं, जब मैं भी स्टूडेंट था तब मैं टीवी पर नया नया आना शुरू हुआ था, लोग बोलते होते थे चूज़ अ कोर्स विच यू कैन डू एंड फिर वो पढ़ना शुरू करो, फिर उसमें करो, ये चीज़ इतनी देर की रिपीट हो रही है। या अभी मैं आपको वीडियो लाइक बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ बोलने के बाद फिर भी लोग कमेंट करेंगे या हमें पूछेंगे सर अच्छा मैंने ये किया हुआ है तो कौन सा कोर्स डिमांड में है, मैं क्या करूँ? लाइक सीरियसली, आप इतने मंदबुद्धि हो गए कि आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग क्या समझाने की कोशिश करते हैं। यार करियर काउंसलिंग है, चक्कर है क्या चीज़ ये? द थिंग आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड है, अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे जो जिसमें आप बेहतर नहीं हो सकते, या फिर आपकी उसको सिंपलीफाई करें, आपकी सीखने की क्यूरियोसिटी उसमें नहीं है, अगर क्यूरियोसिटी होगी या फिर समझ पाओगे अच्छे से, कोई चीज़ समझ पाओगे, कुछ आएगा तभी आपको जॉब मिलेगी ना। अगर आपने पहला स्टेप ही गलत ले लिया तो कहाँ से, भैया मुझे बताइए कहाँ से आपको जॉब मिलेगी, कहीं कहाँ से आप कर पाओगे, कहाँ से सब कुछ, ये सारी जो योर ड्रीम टू लीडिंग टू पीआर कैसे होगा? इंडिया नहीं है क्या? ऐसा नहीं है आपने पढ़ लिया जी, 12th कर लेंगे कोई बात नहीं, मम्मी डैडी ने कह दी नॉन मेडिकल ले लो बट हमें होती नहीं, हमने कर लेंगे, चलो जी मुश्किल से कर भी ली, बट आपकी उस लेवल की है ही नहीं कि आपको जॉब मिल जाए, फिर कैसे करोगे? यही झक तो हम यहाँ मार रहे हैं, यही वहां पर मारेंगे जो फिर मिलती नहीं है। फिर हम लोग बोलते हैं जी वहां पर जी फलानी फलानी कंट्री वहां पर तो पीआर नहीं होती, ये कौन सा कोर्स ले लिया, इसकी तो डिमांड ही नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। यार इतने मंदबुद्धि क्यों बने हुए हो? थोड़ा सा अपना दिमाग खुद सोच के देखो, ये क्वेश्चन खुद थोड़ा आप दिमाग लगा के देखो, इतनी आप लोग वीडियो देखते हो, इतना पीआर पर रिसर्च करते हो, खुद थोड़ा दिमाग लगा के तो देखो कि क्या चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीज़ों और करियर कौन से समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये धंधे को हम सबने वीजा दिलवाने की चीज़ बना के रख दिया, बट इट इज नथिंग नियर टू दैट यार। एक करियर काउंसलर होता है कि आपको हेल्प करे आपको सही करियर चूज करने में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और आप फिर वो चीज़ पढ़ो और उस चीज़ में एक्सेल करो, सिंपल इज दैट। और हम क्या करते हैं, हमारा वीज़ा लगवा दो, चलो वीज़ा लग गया, चलो उसके बाद फिर क्या करते हैं, हमें कोर्स आ नहीं होता, फिर हम लोगों एम्प्लॉयज़ को पैसे देते हैं, फिर हम जुगाड़ लगाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, दो ऐसे सब शुरू होता है ना। द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू योर केओस लाइफ स्टार्ट फ्रॉम योर कोर्स सिलेक्शन बिकॉज यू डोंट यूज योर हेड, है ना, हमने तो बस जाने की करनी है, फिर ऐसे ही होगा ना भैया। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच के देखो कैसे करना चाहिए, और इस चीज़ को अगर आप सोच भी लेते हो, कुछ बच्चे होंगे शायद ये सोच लेंगे हाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, उसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ क्या होगा। आप सोचोगे आप कि जी आपका मेरे फॉर एग्जाम्पल आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अपनी ये चीज़ कुछ डिफरेंट फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, बट आपकी जो प्रीवियस है वो चीज़ आप इंडिया में पढ़ सकते हो, बट आप जब आपने अब्रॉड पढ़ने जाना है ना तो आपके जो जो 12th है, जो आपने ग्रेजुएशन की है, वो सब्जेक्ट बोलने होने चाहिए, लाइक वो उनको
रेलिवेंट होने चाहिए, अगर रेलिवेंट नहीं होंगे तो नहीं होगा द थिंग। इफ यू आर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस माइंड के साथ कि आपने बाहर जाना है, आपने कैनेडा जाना है, ठीक है, चलो उस चीज़ के लिए सिंप्लीफाई इट, अपने कोर्सेज देखिए, ठीक है, उसके बाद अपने ऑप्शंस देखिए, आप कौन से, आपकी परसेंटेज क्या है, पर्टिकुलर कॉलेजेस की परसेंटेज क्या है, आपके पास कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है, उन कोर्सेज में से देखिए कि आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, शॉर्टलिस्ट द कोर्सेज, उसके बाद फिर सोचिए ओके अब मैं देख लेता हूँ हाँ डिमांड क्या है। डिमांड में ज़्यादा मत घुसें, डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, डजेंट मैटर, बट अगर आप वो कोर्स चूज करेंगे, अपनी पहले अपनी प्रोफाइल को देखिए, उसके बाद देखिए कौन से ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद देखिए जो कोर्सेज आपने शॉर्टलिस्ट किए जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें से कौन सा कोर्स है, उसके बारे में थोड़ा गूगल कीजिए, सर्च कीजिए कि हाँ में क्या चीज़ है यार, क्या जॉब प्रोफाइल होगी, क्या होता क्या ये चीज़ देखिए समझिए, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, चूज दैट, फिर यू नो आपका पीआर का, अगर आप इस चीज़ में पहले से फोकस कर लोगे, पहले से थोड़ा एफर्ट डाल लोगे, बिलीव मी आपका 50% पीआर का जो झंझट था ना वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फोकस ऑन दैट, क्लियर योर हेड, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लियर योर हेड, चूज अ कोर्स, फर्स्टली आपकी प्रोफाइल को हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मैच कर रही हो कि नहीं कर रही हो, उसमें से शॉर्टलिस्ट कीजिए कौन से कोर्सेज जो शॉर्टलिस्ट किए आपके जिसमें आप मैच हो रहे हो, कौन से में किसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या आप कर सकते हो उसके लिए, और उस जॉब के लिए क्या क्या स्किल की ज़रूरत है, अच्छी जॉब के लिए आपको लगता है आप लेके आ सकते हो, करो, अगर नहीं लगता, अगर वीज़े की बात है या डिमांड है या कुछ है, फिर अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, थिंक अबाउट इट, ठीक है, प्रोविंस सारे अच्छे हैं, और उसके बाद फिर मैं आप चीज़ को आंसर कर देता हूँ, प्रोविंस दे अगर आप चूज करना चाहते हो, सो लिसन सिंपल इज दैट, अ बिगर सिटी हैज़ अ हायर रिक्वायरमेंट, ठीक है, अ स्मॉलर सिटी हैज़ अ स्मॉलर रिक्वायरमेंट, ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ है, बट अ बिगर सिटी हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स, अ स्मॉलर सिटी विल लेस अपॉर्चुनिटीज, दैट्स वाई उसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, ठीक है, अगर किसी सिटी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, अगर सिटी की किसी भी सिटी की अगर किसी की रिक्वायरमेंट कम है वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी कम है, डिमांड ज़्यादा होगी, बट अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो स्किल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक जगह कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के समझ के फिर कोर्स चूज़ कीजिए, डिमांड क्यों ज़्यादा होगी, मान लीजिए पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, क्यों, वहाँ पर शायद हार्श कंडीशन हो रहेगी, वहाँ पर शायद वो एक अप टू डेट एक स्किल मांग रहे हो, वो रीज़न हो सकता है, ठीक है, बट ये झंझट में तब पढ़ो जब आपके पास एक अच्छा कोर्स हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसका आपको पता हो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो ना पंगा लो, फिर आप नहीं कर पाओगे, सबके साथ ये चीज़ हो रही है, आधे से ज़्यादा लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं, मैं डेली डेट में पता नहीं कितने लोगों के साथ बात करता हूँ, वो सही चीज़ में मेरे फ्रेंड्स यार बाकी छोड़ो यार जिनको मैं साथ रहता हूँ, मैंने उनको हज़ार बार ये चीज़ें समझाई, उन्होंने भी यही गलती की, फिर बाहर जाके मानते हैं हाँ यार बात तो सही थी, फ़ायदा क्या, यूज़ योर ओन हेड यार, कॉमन सेंस की बात है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया, सिंपल सी चीज़ें हैं, खुद सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो, आप भगवान ने आपको मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दिमाग दिया, कहीं ज़्यादा अकल दिया, सोच के देखिए, समझ के देखिए, फिर नीचे कमेंट कीजिए, अगर कुछ वैलिड सी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर उसमें आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा फिर से, बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, काफ़ी लंबी बनी, प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे इतनी देर हो गई ये चीज़ पर बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, एंड प्लीज़ नीचे मेरा पर्सनल चैनल भी है, उसमें हम थोड़े सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, प्लीज़ 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 वहाँ पर भी सपोर्ट कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।